नमस्कार मित्रों, राधे राधे। कुलशीय पणश्यन्ति कुलधर्रा सनातना धर्म नष्टे कुलम कृत स्नम धर्मो दीभ तत्व। जब युद्ध होता है तब उसमें कुल वंश का शेय हास होता है। सबसे को जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपरा, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई है। परंतु जब कुल का शेय हो जाता है तब सदा से कुल के साथ रहने का धर्म भी नष्ट हो जाता है। अर्थात जन्म के समय दी जाती संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय और मृत्यु के बाद भी किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज है कि जीवित और मृत आत्मा मनुष्य के लिए लोक में परलोक में कल्याण करने वाले वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है तो कुल के आश्रय रहने वाले धर्म किससे आश्रय रहेंगे। जब कुल की पवित्रता, मर्यादा, पवित्र आचरण नष्ट हो जाता है, जब धर्म का पालन न करना, अधर्म से विपरीत काम करना अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है कि जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा ही नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा। इसका उत्तर यह है कि लड़ाई के योग्य पुरुष वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु लोगों की जो लड़ाई योग्य नहीं है, जो ऐसे बालक स्त्रियां पीछे बच जाती है, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण जब युद्ध में शास्त्र अस्त्र शस्त्र व्यवहार आदि के जानकर और अनुभव पुरुष मर जाते हैं तब पीछे बचे लोगों की इतनी शिक्षा देने वाले उनकर शासन करने वाले रोग नहीं रहते। इससे मर्यादा का व्यवहार ज्ञान न होने से मनमाना आचरण करने लग जाते हैं अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं है और न करने लायक काम को करने लगते हैं, इसलिए अधर्म फैल जाता है। आगे अधमा भी वक्त कृष्ण प्रदीयते कुल स्त्रीय स्त्रीयशु दृष्टाशु वर्ण जायते वर्ण शकर। धर्म पालन, धर्म का पालन करने से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण शुद्ध होने से बुद्धि सतीत्व बन जाती है। सतीत्व बुद्धि में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसका विवेक जागृत रहता है। परंतु जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तब आचरण अशुद्ध होने लगते हैं, जिससे अंतःकरण अशुद्धि हो जाता है। अंतःकरण अशुद्ध होने से बुद्धि तामसी बन जाती है। बुद्धि तामसी होने से मनुष्य अकर्तव्य मानने लग जाता है अर्थात उसमें शास्त्रीय मर्यादा से उल्टी बातें पैदा होने लग जाती है। विपरीत बुद्धि से कुल की स्त्रियां दूषित तथा व्यभिचारिणी हो जाती है। स्त्रियों के दूषित होने पर वसंकार वर्ण संकर पैदा हो जाता है। पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग वर्ण के होने पर दो संतान पैदा होती है, वह वर्ण संकर कहलाती है। यहाँ अर्जुन कृष्ण संबोधन देकर कह रहे हैं कि सबको खींचने वाले होने से कृष्ण कहलाते हैं। तो आप ये बताएं कि हमारे कुल को आप किस तरह खींचेंगे अर्थात किधर ले जाएंगे। संबोधन देने का भाव है कि वृष्ण वंश में अवतार लेने के कारण वार्ष्णेय कहलाए। परंतु जब कुल का नाश हो जाए तब हमारे वंश किस कुल के कहलाएंगे। कुल का नाश करना उचित है।
परस्पर विरुद्ध धर्म में मिश्रण हो जाता है उनको संकर कहते हैं। जब कर्तव्य का पालन नहीं होता तब धर्म संकरण, वर्ण संकर, जाति संकर, कुल संकर, वे संकर, भाषा संकर, आ संकर आदि संकर दोष हो जाते हैं। ऐसे ही और हम अगले श्लोक में जानेंगे अगले वीडियो में भागवत कथा, जो बहुत काम आने वाली है आपके जीवन में, आपका उद्धार करने वाली है, सीख मिलने वाली है। मिलते हैं नए वीडियो में। नमस्कार।